एवरी वन कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब सपरे से होंगे और आपकी दुआओं की वजह वैसे रमदिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है ये आप सायरन की आवाज़ सुन रहे होंगे इस टाइम शेरी का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है जी थ्री थ्री सेवन ठीक है और अभी मैं उठी हूँ तीन बजे उठी थी तो ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे तो आज मैंने अम्मी को बोला सैरी मैं बनाऊँगी सारे सोए हुए लेकिन अम्मी को ये बात मुझको यकीन नहीं था उठती है कितनी उठो तीन बजे टेंशन ना सो जाए तो ये आप देख सकते हैं हुआ तो जी यहाँ पे सोमिया ने सेरी बनाना स्टार्ट कर ली थी और ये जी साथ साथ पेड़े बना रही है और साथ साथ ऐसे रख रही है क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा पेड़े बना के रखना बहुत ज़्यादा इजी रहता है ठीक है एक एक पेड़ा बनाया एक रोटी बनाई फिर एक पेड़ा बनाया एक रोटी बनाई ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है इसलिए सोमिया ने सारे पेड़े इकट्ठे बना के रख दिए थे के साथ साथ रोटी बनाना इजी रहे ठीक है हमारे घर में सूखी रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और पराठे मेरे भाई खाते हैं वो भी बहुत कम खाते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे बस साथ साथ सोमिया रोटियाँ बना रही थी और उसने मुझे जगाया था मैं सोई हुई थी और उसने मुझे जब जगाया और मुझे इतना गु़स्सा आ रहा था रात के टाइम और फिर यहाँ पे साथ साथ सोमिया रोटियाँ बना रही थी और फिर साथ साथ जो है वो मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया था पहले जी मेरे लिए यहाँ ये यह चीनी वाली बरनी है ये खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं आधी नींद में थी और आधी मैं जाग रही थी और आंखें मैंने ज़बरदस्ती खोली हुई थी और सोमिया ने मुझे जगाया उठो वीडियो भी बनाएंगे ये वो मैंने कहा अच्छा उठती हूँ फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आँखें खोली जा कर किचन में साथ साथ मैं वीडियो बना रही हूँ वो मुझसे बातें कर रही और मैं कह रही हूँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है और यहाँ पे जी साथ साथ मैं चाय बना रही थी साथ साथ सोमिया रोटियां बना रही थी और यहाँ पे चाय मुझसे गिरते गिरते बच गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल टुन हुई हुई थी नींद में थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और ये चाय भी मैंने कैसे बनाई मुझे कुछ पता नहीं है फिर मैंने उसके बाद थोड़ी सी होश में आई हूँ थोड़ी सी मेरी आँखें खुल गई थी तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो अंडे बनाए और यहाँ पे साथ साथ सोमिया रोटियाँ बना रही थी साथ साथ वो वीडियो भी बना रही थी मैंने कहा भाई तुम में बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह तो तो जी हम साथ साथ कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी जो है वो सेरी रेडी हो जाए वरना हमें अम्मी ने नहीं छोड़ना <laughs> क्योंकि अम्मी को हमने कहा नहीं आप नहीं उठना नहीं, बस हम सेरी सी बना मुझे, बना। मुझे बोला है ना कि उठियो बार बार आके हाँ, कभी अम्मी बार बार, बार, बार आके सोमिया को बोले उठी हो नहीं उठी अच्छा अबू बार बार आए बोले उठकी ओ नहीं तो फिर क्योंकि हम लोगों ने शेरी कभी ऐसे बनाई नहीं है और हम लोगों ने कहा चले आज शेरी बनाने कहा हाँ सोमिया ने कहा अम्मी आपकी छुट्टी आप सो जाए तो हम बस सैरी बना लेंगे जब आके मुझे सोमिया ने जगाया था तब तो बड़ा गुस्सा आया था लेकिन फिर उठ की थी मैंने कहा चलो उठ जाती हूँ उठना तो है वैसे भी बाद में तो यहाँ पर सोमिया लच्छा पराठा बना रही थी और ये लच्छा पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सोमिया ने बहुत ज़्यादा मज़े के बनाए हुए थे पराठे तो उसके बाद यहाँ पे जी हम लोगों ने बनाया अरबी और उसके साथ जी यहाँ पे अंडे और ये देसी घी और जो कि मैं देसी घी में चूरी बना के खाती होती हूँ और यहाँ पे जी मेरे भाई बड़ी मुश्किल से उठे हैं इन्हें उठाना इतना मुश्किल होता है क्या बताऊं तो जब ये उठते हैं इनका मूड भी ऑफ ही रहता है बस ये कहते हैं हम सोए रहे हमारे मुंह में कोई नवाला डालता रहे और हम खाएं आराम से मुझसे भी नहीं खाया जाए तो मैंने क्यों? तो बड़े मज़े से देसी घी में चूरी बना के खाई है बड़ा मज़ा आया तो ये था जी हमारा ब्लॉग सैरी का तो इनशाला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़